उपसभापति महोदया, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके संबंध में अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि वे कई कारणों से देश को छोड़कर विदेश में जाकर बस जाते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमारे वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेते हैं या विदेशों में जाकर बस जाते हैं, अपने विज्ञान के काम में विदेश में रहना चाहते हैं, इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे वैज्ञानिकों के प्रति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रति और उनके साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय उपसभापति महोदया, माननीय चित्त बसु में जो प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ एक राज्य के बारे में रखा है कि पश्चिमी बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाए। ऐसा होना चाहिए था कि देश के जितने पिछड़े हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असमानताओं को किस तरह मिटाया जाए। ऐसा प्रस्ताव होता तो वह स्वागत योग्य होता, मगर इन्होंने केवल एक ही राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही है जो कि पहले से ही बढ़ी हुई है। आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज़्यादा औद्योगिक था, लेकिन जब से लेफ्ट फ्रंट सरकार वहाँ आई है तब से वहाँ का औद्योगिकरण समाप्त होने लगा है। पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी सरकार जब से आई है तब से वहाँ के औद्योगिकरण में बड़ा अंतर हो गया है और तब से मद्रास, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा आगे बढ़े हैं, वरना पहले पश्चिमी बंगाल सबसे आगे था। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं, खासकर राजस्थान जो सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहाँ भारत सरकार की औद्योगिकरण में जो लागत हुई है वह सबसे कम है। इस प्रकार के राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि पश्चिमी बंगाल को जो कि पहले से ही आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ के तमाम पूंजी गति बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ उद्योग लगा रखे हैं। वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जाएं या पूंजीपति आ जाएं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये लोग हमारे मारवाड़ी पूंजीपतियों को वहाँ खींच कर ले गए हैं, फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा हो रही है। भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्न किया है वह स्वागत योग्य है। हमारी जो भारत सरकार से शिकायत है कि आपने पश्चिमी बंगाल को ज़्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पिछड़ा रखा है और उनके विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में गरीबी की सतह से नीचे 50% लोग हैं, जहां लगातार अकाल पड़ता है वहां की हालत दयनीय है, वहां पर और ज़्यादा औद्योगिकरण होना चाहिए। महोदय, हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें हमारे राष्ट्र का धन और रुपया पैसा लगा है, लेकिन उत्पादन के स्वरूप जो परिणाम हमको आना चाहिए था वह परिणाम नहीं मिला और उसके विपरीत हमें बराबर हानि ही उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार से अगर व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने को मना कर दिया जाए या व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इस तरह से धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएँ जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आगे नहीं आए, तो मैं समझता हूं हमारा देश बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत से दूसरे देशों के कानून इस संबंध में बनाए गए हैं, विधेयकों को मंगवाकर देखा गया, देखने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया।
हमारे जैसे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया और इस परिणाम पर पहुंचा गया कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि जिससे दोनों का आशय पूरा हो जाए, नीति और सिद्धांत की रक्षा भी हो जाए। लेकिन नीति और सिद्धांत के होते हुए भी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपने देश में अच्छी अवस्था लानी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि हम समाजवाद के जोश में जो व्यक्तिगत क्षेत्र में उद्योग हैं उन पर हावी हो जाएं और उनको चलने ही ना दें। इस बिल के विषय में दोनों प्रकार की गवाहियाँ आईं। इस प्रकार का एक समूह ऐसा आया कि जो चाहते थे कि उनके एकाधिकार के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए और वह बराबर अपने उद्योग को उस सीमा तक ले जाएं कि लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिले और दूसरे लोग जो उस क्षेत्र में आते हैं उनको लाइसेंस ना मिले। और इस प्रकार अगर कोई 5,000 रुपये की चीज़ है उसको कोई 10,000 रुपये में बेचना चाहे तो जो उपभोक्ता है वह उसको 10,000 में लेने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि जब उपभोक्ता को उनके सिवाय और कहीं बाजार में वह वस्तु नहीं मिलेगी तो वह उसको उस दाम पर खरीदने को विवश हो जाएगा। गरीब जनता के लिए यह भी मुमकिन नहीं है कि वह ऊंचे दाम पर अनाज खरीदे।